So welcome to the course of Human Resource Management. And today we're going to study the topic, what is recruitment? So basically, hum recruitment kya hota hai? Kitne tarike ke recruitment hote hain? Kya factors hain jo ki recruitment ko affect karte hain? Ye sari cheeze is particular chapter pe padhenge. To recruitment, jisko hum Hindi mein bharti bhi bolte hain. तो रिक्रूटमेंट हमने देखा होगा जब हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके पहले हम उसका एडवर्टीजमेंट देखते हैं जगह जगह न्यूज़पेपर्स में भी एड्स आते हैं और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है तो हमको जॉब पोर्टल्स पे जॉब एडवर्टीजमेंट्स मिल जाते हैं तो उन एडवर्टीजमेंट्स को देख के अगर वो हमें अच्छी लगती है हमारी प्रोफाइल के हिसाब से सूटेबल रहती है तो हम उन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं. तो रिक्रूटमेंट क्या है देखा जाए तो रिक्रूटमेंट बेसिकली recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization. So ek scientist hai flippo karke inhone definition recruitment ki di thi. Is definition ko samajhne ki koshish karte hain. Recruitment ek aisa process hota hai jahan pe hum zyada se zyada prospective employees ko encourage karte hain, motivate karte hain ki wo ek particular job ke liye apply kare. So, ये जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस रहता है ये चालू होता है आप जब हमें किसी पर्टिकुलर वेकेंसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है और हमें उस प्रोफाइल के लिए लोग चाहिए काम करने के लिए. वहां से ये चालू होके स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट पे जाके खत्म हो जाता है और उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है वो सिलेक्शन में आता है. हम लोग जनरली कंफ्यूज रहते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को लेके, लेकिन ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों एकदम सेपरेट चीजें होती है और इसके डिफरेंस को भी हम आगे चल के समझेंगे. अभी शॉर्ट में अगर हम समझें तो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में हम सिर्फ एनकरेज कर रहे होते हैं लोगों को टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल जहां पे हम एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स को कलेक्ट करना चाहते हैं, जहां हमें ज्यादा से ज्यादा लोग मिले ताकि उसमें से हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चूज कर पाए. और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका आ जाता है इंटरव्यूज और बाकी के जो आप जॉब टेस्ट लेते हो तो उनके थ्रू फिर आप सिलेक्शन प्रोसेस में चले जाते हो. तो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है फ्लिपो जी ने यही समझाया है कि हम एनकरेज कर रहे हैं लोगों को अप्लाई करने के लिए. अब जैसे इसमें अपन एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपन देखते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री का ही लेते हैं. बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जॉब वेकेंसी निकलती है हर साल, वो लोग अपना एड निकालते हैं न्यूज़पेपर्स में भी और ऑनलाइन अपनी वेबसाइट्स पे भी अपना एड निकालते हैं. वहां पे वो आपको बकायदा वैकेंसी बताते हैं, हमारे पास इतनी वैकेंसीज हैं, आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाय फिलिंग अप अ फॉर्म. तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद उनका जो लेवल रहता है, लेवल वन जिसमें रिटन टेस्ट लेते हैं, लेवल टू में फिर वो इंटरव्यू रहता है और लेवल थ्री में फिर वो फाइनल इंटरव्यू प्रोसेस. तो ऐसा करके उनका जो पूरा प्रोसेस रहता है वो फॉलो करते हैं. तो ये क्या है, ये उनका तरीका है, ये उनका प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है. ऐसे ही करके अपन एक और डेफिनेशन देखते हैं जो कि योर्डर जी ने दी थी. रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्सेज ऑफ मैन पावर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टाफिंग स्केड्यूल एंड टू एम्प्लॉय इफेक्टिव मेजर्स फॉर अट्रैक्टिंग द मैन पावर इन एडिक्वेट नंबर्स टू फैसिलिटेट इफेक्टिव एक्शन ऑफ एन एफिशियंट वर्किंग फोर्स. तो इस डेफिनेशन को थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं. रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम डिस्कवर करते हैं the sources of manpower to meet the requirement. Sources of manpower क्या कि हम किन किन sources से अपनी manpower को cater करेंगे, हम किन किन sources से लोगों को recruit करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे sources available हैं. हम online advertisement कर सकते हैं, newspaper में कर सकते हैं, हम word of mouth publicity कर सकते हैं, radio, television, there are so many ways by which we can post a job advertisement. So, वो हम किस सोर्स से केटर करना चाहते हैं, फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट है हमें कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, हमें 10 लोग चाहिए, 100 लोग चाहिए, 150 लोग चाहिए, 1000 लोग चाहिए, तो हमारा स्टाफिंग स्केड्यूल का रिक्वायरमेंट क्या है उसको देखते हुए हम अपने सोर्स को चूज करते हैं. क्योंकि अगर हमको ज्यादा लोग रिक्वायर्ड होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑब्वियसली हमको हो सकता है मास रिक्रूटमेंट करना पड़े. उसके लिए कई बार हम देखते हैं कि जॉब फेयर्स लगते हैं जहां पे हम बहुत सारे लोगों को एक साथ इन्वाइट करते हैं टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. अब क्या है, हमको सबसे इफेक्टिव मेजर को एम्प्लॉय करना होता है सो दैट वी कैन अट्रैक्ट द राइट मैन पावर एंड दैट टू इन द एडिक्वेट नंबर. सो बहुत जरूरी है हम क्या स्ट्रेटजी एम्प्लॉय कर रहे हैं लोगों को सेलेक्ट करने की अपनी ऑर्गेनाइजेशन. सो ये सारी चीजों को मिला के उन्होंने कहा है एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस बनता है. ये डेफिनेशन दी गई थी योर्डर जी के द्वारा, उन्होंने रिक्रूटमेंट को इस तरीके से समझाया.
एक बार और देख लेते हैं जो कि अपन ने पहले भी पढ़ा कि रिक्रूटमेंट क्या है। एक प्रोसेस है फॉर सर्चिंग फॉर पोटेंशियल एप्लीकेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेट एंड एनकरेज देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक और चीज इसमें आती है कि रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है। क्यों पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। तो हम बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है, अपना हायरिंग रेशो बढ़ा रही होती है कि जितने ज्यादा लोग मिलेंगे उसमें क्या होता है, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। तो ये इसलिए इस प्रोसेस को एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है। और ये हमने पहले ही देख लिया कि प्रोसेस कहाँ शुरू होता है, जब एक वैकेंसी निकलती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो प्रोसेस खत्म हो जाता है कहाँ पे, जहां पे हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं कैंडिडेट्स की कि भाई ये कैंडिडेट्स हमारी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ठीक है, इन्हें हम नेक्स्ट स्टेप के लिए कंसिडर कर सकते हैं, और ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है तो इनको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे चालू होता है और यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। और यहाँ पे हमको क्या रिजल्ट निकल के आता है, वी गेट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, जिसमें से कि हम अपने एक नए एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सकते हैं।